कपड़े से मुंह ढका, दो लोगों ने हाथ पकड़ा, आखिर क्यों? गिरते पड़ते कोर्ट पहुंची गदर की सकीना। क्या अमीषा पटेल को होगा जेल? आखिर किस मामले में तारा सिंह की सकीना ने किया सरेंडर? सकीना के खुले सबसे बड़े राज, इनोवा कार में छुपते छुपाते पहुंची रांची सिविल कोर्ट। आखिर अमीषा पटेल पर लगा कौन सा आरोप? सकीना के करतूत से मचा बवाल, क्या बढ़ेगी गदर की रिलीज डेट? अमीषा जी कुछ तो कहिए। मैडम आप तो पहले भी आती रही हैं। कपड़े से मुंह ढककर किसी बड़े अपराधी की तरह दो लोगों के सहारे चल रही ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की अभिनेत्री अमीषा पटेल है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये उसी तारा सिंह की सकीना है जिसके लोग दीवाने हैं, जिसकी फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मगर जिस खूबसूरत अभिनेत्री का चेहरा आज तक लोगों ने एक बड़े पर्दे पर देखा, आज वही अपने चेहरे को छोटे से कपड़े में छुपा कर चल रही है। गदर 2 के रिलीज से पहले फिल्म की हीरोइन का इस तरह कोर्ट में सरेंडर करना, ऐसा लग रहा है अमीषा पटेल जेल जाने वाली है। आखिर गदर रिलीज से पहले ऐसा क्या हुआ? क्या तारा सिंह की सकीना के जेल जाने से फिल्म की रिलीज डेट टल जाएगी? तारीख थी 17 जून जब इनोवा कार में अपने चेहरे छुपाए चोरी छुपे अभिनेत्री रांची के सिविल कोर्ट पहुंची और खुद को सरेंडर कर दिया। उसके साथ दो और लोग भी थे जिनका हाथ थामे सीढ़ियों पर गिरते पड़ते वो कोर्ट के अंदर पहुंची। लेकिन जैसे ही मीडिया को इसकी भनक लगी कि कार के अंदर गदर की सकीना बैठी है, मीडिया कर्मी उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने कई सवाल पूछे लेकिन अमीषा पटेल ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस खूबसूरत अदाकारा अमीषा पटेल को अपना चेहरा छुपा कर कोर्ट पहुंचना पड़ा। दरअसल मामला साल 2018 का है जब एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर 2.5 करोड़ के धोखाधड़ी का आरोप लगा था। झारखंड के एक प्रोड्यूसर अजय कुमार ने अमीषा पटेल पर चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकी का आरोप लगाया था। अजय का दावा है कि अमीषा पटेल ने फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर उनसे 2.5 करोड़ रुपए लिए थे और कहा था कि फिल्म पूरी होते ही वो उसे ब्याज समेत पैसे लौटा देगी। साल 2013 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई मगर आज तक पर्दे पर नहीं उतर पाई। ऐसे में जब अजय कुमार ने अमीषा पटेल से अपने पैसे मांगे तो उन्होंने नहीं लौटाए। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने 2 चेक भी दिए जो बाउंस हो गया। फिर क्या था, प्रोड्यूसर अजय कुमार रांची सिविल कोर्ट पहुंचे और अमीषा पटेल की शिकायत कर दी। अमीषा पटेल को इस मामले में पहले कई बार समन जारी किया गया था लेकिन वो कभी नहीं पहुंची। बाद में उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ तो उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। हालांकि अमीषा पटेल को फिलहाल 10,000 के बॉन्ड पर जमानत मिल गई है, लेकिन अगर वो 21 जून को दोबारा रांची के सिविल कोर्ट में हाजिर नहीं हुई तो अमीषा पटेल जेल भी जा सकती है। लेकिन अमीषा पटेल के इस कारनामे से गदर 2 की रिलीज डेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिल्म का 11 अगस्त को रिलीज होना तय है। सिंह ने आपको 2.5 करोड़ रुपया दिए थे या नहीं? अमीषा जी कुछ तो कहिए। क्या अजय कुमार सिंह ने आपको 2.5 करोड़ रुपया दिए थे? मैं जी मीडिया से आई हूँ, आप जवाब दे सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। अमीषा जी, अमीषा जी कुछ तो मुंह ढक कर आना और रांची से निकल जाना कितना सही होगा ये? अमीषा जी कुछ तो कह दीजिए।